चैनल सिनेमैटिक स्वॉप एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ये वीडियो को एंड तक देखना इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सपीरियंसिंग अ ट्रैवल मूवी। और अगर चिकलधारा का आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक एंड वॉच चिकलधारा पार्ट 1 सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट इज गोइंग राइट नाउ। सो कंटिन्यूइंग विद द सेकंड डे, हमें इस दिन बहुत जल्दी उठने की जरूरत थी। मेरे साथ थे चार लोग, किरण, सौरभ, जुनैद और साहिब। वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड मेमना विच इज क्लोज बाय। सुबह उठने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि हम जहां जा रहे थे वहां ट्रैक करना जरूरी था। इस ट्रैक का नाम है अम्मा दो जंगल ट्रैक। ये ट्रैक थी बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से होते हुए, अ 5 किलोमीटर्स जंगल ट्रैक, जहां वी केम अक्रॉस मैनी एनिमल मार्किंग्स, फ्लोरा एंड फौना एंड मोर ओवर फ्रेश टाइगर मार्किंग्स एंड पग मार्क्स। हमारे ना आगे कोई था ना पीछे, बस रास्ते में पड़ी हुई एक लकड़ी के सहारे हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। हमें बहुत सारी बातें पता चली जो हमें यूजुअली जंगल सफारी करते हुए नहीं पता चलती। तो ये जितनी भी बातें हैं मैं आपको सारी कंपाइल करके एक ही वीडियो में बताना चाहता था, तो मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगा। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल कम अक्रॉस अनदर सिनेमैटिक वीडियो विच यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम वॉचिंग। ट्रैक के टाइम पे कभी कोई स्लॉथ बेयर या फिर स्लॉथ बेयर तो नहीं मिला सर, टाइगर मिल गया था एक। फिर तो सर हम लोग बहुत ज़्यादा थे, मतलब हम थे टाइम पे निकल गया लोग ज़्यादा रहने के कारण। अगर ट्रैक पूरा करना है तो फिर हमको व्हीकल का भेजना पड़ता है, मालूम है क्या? सेमाडू रोड से यहाँ से 10 किलोमीटर, क्योंकि ये उतरने में ये मतलब आसान जाता है, चढ़ने बहुत कठिन है। अच्छा, मतलब नीचे उतर के फिर व्हीकल लेनी पड़ती है। हाँ, वहाँ पर अपनी व्हीकल रोड पे आ जाती है, यहाँ से 10 किलोमीटर बाद में अपन 4 किलोमीटर शॉर्टकट ट्रैक करके रोड पे पहुँच जाते हैं। ओके, अगर हम मैडम को बोलते हैं अपने को रिवर तक वो परमिशन मिलेगी सर, तो बहुत सही हो जाएगा। इथूनच घेऊन गेला होता सौरभ, हाँ ये आपला कंटिन्यूस रोड आहे, तिकडून घेऊन जातो मी। हा शॉर्टकट आहे, अभी रेटिंग की है सर यहाँ पे, नेटिंग की है, आजू बाजू फेंसिंग किया है ना, तो यहाँ पे नीचे में कुआ है, कुआ बोले तो वीर वो है। तो अब क्या होता है, नॉर्मली लैपर्ड हो गया है, सांबर डियर हो गया है, तो ये कभी कभी उसमें गिर जाए, गिर सकते, उसके लिए नेटिंग किया है। और दूसरा एक ये है कि जो भाव से मट्टी बह जाती है, कि सॉइल बह जाती है, वो अड़ती है उसमें, तो उसके लिए उसको बोलते हैं बंधारे बनाते हैं उसके लिए, मट्टी बह के जाने को, तो उसके लिए भी ऐसे नेटिंग करते हैं। तो नीचे अपने वाटरफॉल देखने को मिल, मतलब वो बंधारे देखने को मिलेगी। ओके, तो गांव था मतलब रिलोकेट करना चालू हुआ, तो यहाँ पे नेचुरल पानी मतलब वाटर सोर्स बहुत कम था। ओके, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने वाटरफॉल बनाए, आर्टिफिशियल वाटरफॉल बोलते हैं जिसे, तो एक समर का बैकअप रहता है वो, तो एनिमल्स के लिए समर पानी पीने के लिए अच्छा रहता है वो। ओके, जंगल का नेचुरल वाटर ड्राई हो जाता है समर, तो अपना पहाड़ी जंगल भी जल्दी ड्राई हो जाता है। ओके, तो वाटरफॉल्स पे बायसन दिखने लगे, सांबर दिखने लगे, मतलब 2 महीने में रिजल्ट मिला हमें। ओके, इस एरिया में सर एक फीमेल है उसे दो कप्स है,
इसी एरिया में, इसी एरिया में, और अपन ट्रैक कर रहे हाँ। और अभी अपन कम लोग है, फिर तो नहीं नहीं कुछ भी नहीं था, क्या है पता है आपको, जब एक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, पैदल में आपका एनिमल निकलेगा, पैदल हमें 2 किलोमीटर पहले सुन सकता है उसकी फीस में, ओके तो वो पहले ही दूर हो जाएगा, बराबर जो उनके कान तेज रहते हैं पार्क से लाके कलेक्ट करके ये फेंसिंग के अंदर में लगाते हो, ओके तो ये 5 साल तक फेंस रहता है, उसके बाद में क्या होता है सर पता है क्या, उसको फिर ओपन कर देते, फिर वो बर्ड्स हो गई है, उसके बाद में एनिमल्स हो गए, इनके दायरे में स्प्रेड होता है जंगल में, भी उनके इसके कारण वो स्प्रेड करते हैं पूरे जंगल में, अच्छा नहीं खाता देना। अच्छा अगर आसपास में रहा, सपोज अभी आसवल है आसपास में, तो आपको ध्यान में आएगा या फिर वो बर्ड्स वगैरह कॉल करेगी? नॉर्मली तो स्लॉट बियर को देखिए कॉल नहीं करता है, फिर भी पता चल जाता सर, क्योंकि उनका जो बॉडी रहता है ना अच्छा। जब टाइगर का जो यूरिन होता है तो जो उसकी टेरिटरी हो गई उसका एरिया मार्क करने के लिए यूरिन स्प्रेड करता है, आपको पता है नॉर्मली, तो यहाँ उसने यूरिन स्प्रेड करके उसको कवर कर लिया, ओके यूरिन किया उसके बाद में पीछे से पैर से घस लिया उसको, अच्छा तो उसका एक टेरिटरी मार्क है, ओके अगर ये फ्रेश रहता था तो ऐसा आप ये ग्रास निकाल के स्मेल लेते थे, आपको बासमती राइस आता है ना उस टाइप का स्मेल आता है, ओके तो ये उसका एक टेरिटरी मार्किंग ये हो गया है, दूसरा वो झाड़ पे स्क्रैच मारता है हाँ। और तीसरा जो है वो आग घसता है झाड़ को, अपनी बॉडी अपनी बॉडी का स्मेल लग जाना चाहिए। टिप्स क्या है बताएगा आपको सर, कंटिन्यू आवाज करते चलिए, अच्छा कि वो अपना आवाज सुन के निकल जाए, उसके बाद में एक मोबाइल पे गाना सुनते जाइए जंगल में, जब आपके पास काठी है जैसे लकड़ी है उस पर घुंघरू बांध लीजिए, ओके कंटिन्यू हरा देते मतलब आवाज कर देते, ओके उसके बाद में आपका फिर भी कॉकरोच इनकाउंटर हो गया है तो आपको क्या करना है, उसको देख के भागना नहीं है, बस जहाँ जाने का ये 2 पैर है जमा करना, अपना सर बचाना सब में पहले, अच्छा स्लॉथ बियर सीधा सर पे अटैक करता है, ओ बराबर बराबर उसका पंजा मारता है सीधा सर पे, उसके नाखून ही 3-3.5 इंच के रहते हैं सर अपने की इतने, बराबर मतलब जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं ना उनको कैल्शियम चाहिए होता है, जैसा स्पेशल डियर फैमिली जो रहती है उनके सिंग गिरते मेटिंग के बाद, बराबर तो नए सिंग के लिए कैल्शियम होता पड़ता है, ये जो ग्रास वगैरह जो पचाते हैं उसके लिए इनको सॉल्ट चाहिए, इसलिए डिपार्टमेंट मट्टी में नमक मिला के रख देता है, और बाजू में ही वहाँ पे आर्टिफिशियल वाटर हॉल है, यहाँ पे पानी पीते हैं नमक खाते निकल जाते हैं, तो आपको समर में जब समर में पानी की दिक्कत होती है तो यहाँ पे कम से कम 200 सांबर और 200 बाइसन दिखेंगे सर ये स्पॉट पे, इस स्पॉट पे तो उसके बाद भी अपना सामने वाटर हॉल है, मचान भी है, वो एक मचान है, ये मचान जो है सर ये वॉच टावर है, ओके मतलब जब बुद्ध पूर्णिमा होता है उस दिन फुल मून रहता है नाइट में, तो सेंसर्स के लिए परमिशन मिलता है एनिमल काउंटिंग रहता है, ओके उसके परमिशन मिलता है ऐसे वॉच टावर बर्ड में, तो सामने में एक लगूर बर्ड आया सर झाड़ पे, किधर है ऊपर कौन बेटा लंगूर, अब ये सब अब बारिश है तो सफा नहीं नदी, इसे क्लीन रखते हैं रेगुलर लिटमस पेपर डाल के चेक करते हैं किसने पॉइजन वगैरह डाला, हाँ 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 रोज हाँ। और उसके बाद में पहले वाटर हॉल जो बनाए गए थे तो बहुत ऐसे डीप वाटर हॉल बनते थे, तो कोई भी सांबर डेर वगैरह उसमें उतरा तो उसके पर स्लिप होते तो वही गिर जाता था, बाप रे ये नया बना है ये अभी अभी चालू किया है प्रोजेक्ट, ओके ये है ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट खोल होएगा, अच्छा इसलिए कि जो हर्बीवोरस एनिमल रहता है उसके उसके जान का बहुत खतरा रहता है, खतरा ना हो उसके अगर पूरी मुंडी दुखती है पानी में जब तो उसको आजू बाजू का कुछ भी दिखेगा नहीं, हाँ तो एक टाइम पे पानी नहीं पिएगा इतने डीप में जाके, बराबर इसलिए वाटरफॉल बनाया कि उसको आजू बाजू का दिखे, स्पेशली बायसन बहुत ध्यान रखते इस बातों का, वो कभी भी ज्यादा डीप जहाँ पानी रहा वहाँ पानी नहीं पिएगी, ओके ऐसा रह जाएगा लेकिन पानी नहीं पिएगा, जहाँ समर में वाटर है हाँ। वहाँ पे हरी भरे एनिमल्स है हाँ। जहाँ एनिमल है वहाँ पे
टाइगर है, टाइगर तो आएगा ही। हाँ, तो जैसे वाइल्ड डॉग टाइगर इसी जगह होल्ड करके बैठे रहते हैं क्योंकि उनको मालूम है नॉर्मली अपने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। हाँ, घूमने फिरने की जरूरत ही नहीं। बराबर। हाँ, उनको मालूम है 24 आवर में एक बार पानी पीने आना है एनिमल्स को। अब जैसे सांबर बायसन हो गया, उसको एक दिन 24 लीटर पानी लगता है एडल्ट मेल को। सांबर भी 10 लीटर पानी पिएगा एक दिन में, तो उनको आना ही है सर यहाँ। वो लगभग ह्यूमन के आजू बाजू रहते हैं, ह्यूमन उनके एरिया में उनको पसंद नहीं है लेपर्ड को। ओके। जैसा आपका मुंबई है, मुंबई की बड़ी सिटी रहेगी भी वहाँ लेपर्ड है। तो लेपर्ड का एक क्या है कि वो चूहे काके भी सवारी कर सकता है। क्या करके भी? चूहे जो आते हैं ना अपने, खाके भी जिंदा रह सकता है। तो ये जंगल में आपको ये दिनों में मिल जाएंगे नॉर्मली। ओके। जब मोर ऑफ बर्ड में जैसे फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए मोर पिसारा खुलता है, लोग बोलते हैं बारिश में नाचता है। बराबर। वो नाचता है, उसके बाद में फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए वो पिसारा खोल लेता है। राइट। हाँ, जब उसका मेटिंग वगैरह हो जाएगा तो उसका पंख गिर जाता है, फिर डबल उसको बाद में नए पंख आते हैं। अच्छा। हाँ, ये मोर के लिए। तो ये पंख गिरा हुआ है तो जंगल कोई काम का नहीं, ऐसा लगता है लोगों को। बाकी ये पंख को भी एक एनिमल खाता है। हाँ, क्या? वो है शायद, जिसको पोर्कुपाइन बोलते हैं अपन। ओके। हाँ हाँ, खाएगा इसको। ये है टाइगर का बाल। वो जैसे नॉर्मल अपने घर में डॉग्स वगैरह रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, उनके बाल झड़ जाते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे टाइगर बैठा था। कैसे समझा आपको यहाँ पे टाइगर बैठा था? साइज देखिए इसका, टर्माइट खाएगा सर, नीचे से चालू हो गया उसका डीकम्पोज करना। बराबर। मतलब जितने ज़्यादा टर्माइट उतना ज़्यादा हेल्दी फॉरेस्ट। ये थोड़ा मुश्किल है क्या? ये मुश्किल है थोड़ा, मतलब ये क्या आपको सीधा उतरना है नीचे वैली में। हाँ हाँ, पत्थर है ना ये, जो पत्थर है अपने पैर अगर स्लिप हो जाता है वो। अच्छा। तो यहाँ अपन नीचे देख देख के उतरना है, घूम घूम के। ओके। घूम घूम के पकड़ते हुए, यहाँ पे पैर टूटने के बहुत चांसेस है। अच्छा। और गिरे तो और अलग से, तो और लगेंगे। उसको क्या देते? ओके। ताकि पकड़ पकड़ के उतरेंगे फिर। सामने एक बड़ा चैलेंज है, रिवर क्रॉस करना है। रिवर क्रॉस करना है अपन को? वो कैसे करूँगा मैं? चलो नाम करा दें। मतलब इतना इक्विपमेंट? तो इक्विपमेंट लाया नहीं सर, मुझे लगा अपन महीने में वापस आएगी, तो भी फिक्स प्लान नहीं था अपना। गॉड, फाइनली एंड वी आर हियर। वो here it goes in 3, 2, 1.